मुरैना श्योपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन 6 विधानसभाओं में किया गया, जिसमें अंबाहा, दिमनी, मुरैना का सुमावली, जौरा, सबलगढ़ शामिल है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नेता यहां पर मौजूद रहे। मुरैना में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बानमोड़ तहसील कार्यालय का उद्घाटन जिला अध्यक्ष केदार सिंह यादव बाबूजी ने किया। इस अवसर पर बीजेपी के युवा नेता व जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह, जिला पंचायत सदस्य हमीर पटेल, युवा नेता दिलीप दनेलिया सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ने बताया कि आज 6 विधानसभाओं में कार्यालयों का उद्घाटन किया गया है। किसी जगह पर पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह तो कहीं पर गजराज सिंह सिकरवार, पूर्व विधायक तो कहीं शिवमंगल सिंह तोमर ने उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करने गए हैं, कई दादा गहरा सिंह जी गए हैं, कई शिवमंगल सिंह जी गए हैं। इस प्रकार हमारे 6 नेता अलग एक ही समय में 8:11 बजे कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कार्यालय का उद्घाटन हो जाने का अर्थ ये है कि कार्यालय व्यवस्थित खुले और कार्यालय में सामग्री केंद्र से आएगी, जो अपने गाँवों में ले जाएंगे, नगर में भागों में ले जाएंगे, ये सामग्री उपलब्ध रहे। ये केंद्रीय कार्यालय की व्यवस्था आपके यहाँ रहेगी, परमोल रूट पर करता है। दूसरी बात यह है कि कार्यालय खुल गई तो कार्यालय में हमारे मंडल अध्यक्ष जी और मंडल अध्यक्ष जी की कार्यकारी और के पदाधिकारी तो रहेंगे ही दोनों मंडलों के, लेकिन कार्यालय की चुनाव की दृष्टि से कार्यालय का प्रबंधन देखना, कार्यालय में सामग्री की व्यवस्था करना, कार्यालय में सबको सूचना देना, कार्यालय में सबको बुलाना, कोई आगंतुक नेता आता है और कार्यक्रम बनाना। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार को भूलकर लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। INC 24 न्यूज के लिए मुरैना से शैलेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।